हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 11:28 और एज ऑलवेज हम लोग वापस आ गए। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरी एनसीईआरटी का जितना भी आपके पास ग्राफ और कोई क्वेश्चन कोई भी डायग्राम्स होंगे तो वो करेंगे, ठीक है। इकोलॉजी यूनिट से शुरू करें हम लोग, तो एक एक करके हम सब चीज़ों पे चलते हैं। और सबसे पहला जो ग्राफ है फिगर नंबर 11.1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स, सबसे पहला ग्राफ है। और ये एज पिरामिड ज्यादा लोगों को पता है, ये सबसे ज्यादा इजी चीज है पूरी पूरी बायोलॉजी में, खास करके इकोलॉजी में भी। एज पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके वो कितना उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रही, ये एज पिरामिड्स होते हैं। पहला है एक्सपैंडिंग एज पिरामिड, दूसरा स्टेबल, तीसरा डिक्लाइनिंग। क्या है अगर आप देख सकते हैं तो येलो पार्ट में जो लिखा है, येलो पार्ट में जो है उसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो जगह वो पॉइंट जहां पे रिप्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, बच्चे हैं अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अराउंड 15 से छोटे बच्चे। फिर उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज जो काफी ज्यादा होती है, इसमें 15 से लेकर 45 50 तक लगा सकते हैं हम, तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है। और उसके बाद पिंक लाइन से जो पिंक से दिख रहा है वो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव 50-60 के बाद की स्टेज। तो 3 टाइप के ग्राफ्स है, पहला है एक्सपैंडिंग जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब जो आज लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उससे ज्यादा आगे कर पाएंगे, तो जब आगे कर पाएंगे तो उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे। स्टेबल पॉपुलेशन में लास्ट के दोनों सेम होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम होते हैं, इसका मतलब जितने आज बच्चे कर पा रहे उतने बाद में कर पाएंगे, तो पॉपुलेशन जो है ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और तीसरा डिक्लाइनिंग फेज, इसमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव से कम होते हैं, मतलब आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं आगे जाके उनसे कम लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और जब कम लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उनका उनके जो बच्चे वो कम होंगे, ये डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग वाला ग्राफ जो है वो कौन सी कंट्री का है, इट इज ऑफ मेनी कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, हम लोग अपनी कंट्री का ही नाम ले लेते हैं। स्टेबल ज्यादातर यूके यूएस ये सारी कंट्रीज में स्टेबल पॉपुलेशन है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मेजर एग्जाम्पल है जापान। इसके अलावा इन शेप्स के कुछ नाम भी होते हैं, किसी को पता है, इसका नाम होता है पिरामिडल शेप। कौन सा शेप? पिरामिडल, आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका क्या नाम होता है? बेल शेप। इसका नाम होता है बेल शेप, और हाँ, और तीसरे वाले का नाम होता है अर्न शेप। अर्न शेप, तो पिरामिडल शेप, बेल शेप और अर्न शेप, ये 3 शेप भी होते हैं, कभी कभार क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किसी भी चीज पे बन सकता है, हमें हर चीज के लिए फोकस रखना है कि कैसे कैसे वो चीज को हम ढूंढ पाए। नेक्स्ट चलते हैं इसी चैप्टर में आगे, ग्राफ कोई और है तो। और ये एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, इजी है, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ बस ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बताने के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो हम अलग अलग तरह से डिनोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कोई चीज इंक्रीज करती है तो वो क्या क्या होती है, नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट, और इमिग्रेशन, अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो वो नेटैलिटी कहलाती है, और लोग बाहर से एक जगह पे दूसरी जगह से कोई लोग आ जाए बाहर से तो उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्लस लिखा है। और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट और इमिग्रेशन जो है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, हमारी पॉपुलेशन में से डिक्रीज करते हैं तो इसे हम माइनस लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ये जो पूरा फॉर्मूला है, सॉरी, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये है आपका एन टी प्लस वन, वेयर एन टी इज द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन ईयर, मान लो 2022 की पॉपुलेशन है एन टी, टी इज 2022, तो एन टी प्लस वन क्या होगा, 2022 प्लस 1 2023, ठीक है। बी क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पैदा हुए, और इमिग्रेशन, ये दोनों ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट क्या क्या होगा, डी और ई, डेथ रेट और इमिग्रेशन, तो ये फॉर्मूला बता रहे हैं इस पे। ये मैंने कहा ऐसा कुछ आता नहीं है, बट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर में आगे चलते हैं और आते हैं आपके पास 2 टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, दोनों ग्रोथ कर्व्स इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो ये रेड वाला आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं, जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। यहां पे क्या होता है, ये कब होता है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती है किसी पॉपुलेशन के पास, तो
तो वो इंक्रीज करती है बहुत ही फास्ट रेट से, और उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला है dn by dt equal to rn, where dt is time, n is capital N का मतलब होता है आपका नंबर डेंसिटी, कितने लोग, ठीक है, और r जो होता है इनसे कहते हैं इंट्रिंसिक रेट। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट r जो होता है, r का फॉर्मूला होता है r equal to b minus d। अभी हमने ऊपर पढ़ा था b is birth rate minus death, birth में से death minus कर दो तो r बन जाता है, R के हिसाब से n से मल्टीप्लाई होता है तो dn by dt का फॉर्मूला बन जाता है। ये J shaped curve के लिए होता है, इसके लिए होता है J shaped curve। अगर इसी में ही मैं यहाँ पे एंटी लॉक कर दूँ सबको, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n t plus 1 equal to n t e की पावर r n। n t plus 1 आप लोगों को पता है e, n t plus n t क्या है, मान ले 2022, n t plus 1 क्या हो गया, नंबर इन 2023, e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r और n जो यहाँ पे भी लिखा है। तो ये जी शेप करके लिए आपके पास है, आपको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा एक और ग्रोथ कहते हैं, कोई और नाम, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कौन सी? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दूसरा होता है आपका एस शेप कर्व, इसे हम कहते हैं कौन सी, सिग्मोइड कर्व होता है, इसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सा? पिछला वाला एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, लॉजिस्टिक। इसको हम एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व, ठीक। एरिथमेटिक और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला जो होता है, ये जो होता है ये इनिशियली लैग फेज में जाता है, फिर एकदम से एक्सपेंड करता है, देखो यहाँ पे जे शेप भी, और उसके बाद दोबारा से लैग फेज में आ जाता है। ये जो है इनिशियल लैग फेज, फिर जे शेप, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर दोबारा से डी एक्सेलरेशन और लैग फेज। ये जो पॉइंट है के पॉइंट, इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं? इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो दिक्कत होगी, तो कैरिंग कैपेसिटी भी आगे रुक जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है dn by dt equal to rn, same, पर साथ साथ में मल्टीप्लाई में n by k minus n by k। और ये है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला। याद रखना, ज्यादातर यूज में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी आता है, क्योंकि एट द एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन कितनी ही बढ़ जाएगी, एक टाइम के बाद आपकी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो जाएगी। लिमिटलेस रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपका तीसरा इसका फिगर है इस चैप्टर में। इसमें दो ग्रोथ कर्व्स हैं, दोनों आप लोगों को साथ साथ कर लिया। फिर आ जाते हैं, कोई और ग्रोथ कर्व तो नहीं है इस चैप्टर में, आई थिंक हो गया, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। डायग्राम्स हैं इनके, ये आपको हो सकता है, देखो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो देख लो यार एक बार इसको भी, क्या क्या नुकसान है ना। पहला डायग्राम है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास, पहला है फिग फ्लावर और दूसरा है वास। ये फिग फ्लावर है, पॉलिनेट हो गया, और ये छोटे 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 यहाँ पे कीड़े टाइप दिख रहे हैं, ये वास्ट है। क्या होता है इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप जब आई गया, तो हम इसको रीपढ़ भी देते हैं, क्या होता है फिक्ट्री और वास्ट में म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, फिक्ट्री जो है वो वास्ट को ओवी पोजिशन के लिए, एग लेइंग के लिए जगह देता है, कि भाई तू मेरे ऊपर आके, मेरे फ्लावर के ऊपर आके एग ले कर दे, कोई दिक्कत। वास्प क्या करता है, वास्प उसके लिए, क्योंकि वो तो उसे एग लेकर रहा है, तो वास्प उसके लिए क्या करता है, वास्प उसको पॉलिनेट करता है। अगर आ गया ये किस चीज का एग्जांपल है, तो आपको ये विचित्र सा डायग्राम आपको समझ जाएंगे ये क्या है, फिक्ट्री और वास्प। फिर एक और है, बी पॉलिनेटर है, तो बेसिक है, तो कुछ भी नहीं है, बी पॉलिनेट कर रही है, ठीक है। तो बस यही है इस चैप्टर में सारे के सारे डायग्राम्स, और हम चलते हैं अगला चैप्टर इकोसिस्टम। ये नए सिलेबस की किताब है, तो हो सकता है आप लोगों के चैप्टर्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट हो एनसीईआरटी में, क्योंकि पुरानी किताब भी हो सकती है आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। आ जाते हैं हम इकोसिस्टम के पहले ग्राफ पे, और ये जो डायग्राम है, ये है डीकम्पोजिशन साइकिल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डीकम्पोजिशन साइकिल, पहले डीकम्पोजिशन जरा याद कर लेते हैं होता है। डीकम्पोजिशन में कुछ चीजें थी, पहले पांच पॉइंट्स थे। पहला क्या था? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा लीचिंग। लीचिंग। तीसरा कैटाबॉलिज्म। चौथा यूनिफिकेशन। और पांचवा मिनरलाइजेशन। ये चार पॉइंट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में आएगा,
ये इंपॉर्टेंटली इसको ढंग से कर लेना, आप ही आ जाओ यहाँ पे। ट्री ग्रोज इन द सॉइल ऑब्वियसली। अब देखो कभी क्या, अब क्वेश्चन कितना डीप जा सकता है। देखो अब हम बायोलॉजी में उतने डीप पे पहुंच गए, जो लोग मेरे साथ थ्रू आउट से इस पूरे हफ्ते में रहे हैं, हम लोगों ने ना क्वेश्चन तो इतने कर लिए और फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली है। अब हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गए तो क्या, हर एक क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अब जो लोग पूरे टाइम यहाँ पे बैठे थे पिछले इतने दिनों से, जो लोग घर पे थे, ऑल द बेस्ट भाई, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बाकी जो लोग बहुत अच्छा पेपर मिलने वाला है तुम्हारे हाथ में, बट जो लोग यहाँ पे थे, क्योंकि पेपर इस टाइम बहुत खराब आएगा, कुछ नहीं पता कैसा आएगा, ईजी आ गया तुम्हारी किस्मत है, पर मेरे हिसाब से ईजी नहीं है। तो एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनता है, और हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो एक एक वर्ड वर्ड लेके भी क्वेश्चन बनाए हैं। एक क्वेश्चन था कि टैपेटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, एनसीईआरटी में लिखा है, ढूंढ लेना, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे, अगर आता है ना घर पे बैठ के भी तो बहुत बड़ी बात है। ट्री, ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ट्री नीचे गिरता है, पहले ट्री ग्रो करता है सॉइल में ऑब्वियसली, फिर वहां पे ग्रीन लीव्स फॉल करती है ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द फूड चेन। अब ये जो है किसी इंसेक्ट या किसी ने खा ली, जब किसी एनिमल ने खा ली तो इसके न्यूट्रिएंट्स, लीव के न्यूट्रिएंट्स कहां गए, उसकी फूड चेन में एंटर कर गए, ठीक है। किसी और की भी कर गए, इसकी भी कर गए कैटरपिलर से की, ये कैटरपिलर साथ जो है सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। अब क्या है, हमने बात करी फ्रेगमेंटेशन, तोड़ना, लीचिंग उसको ब्रेक करना पानी के थ्रू जो चले जाते हैं, कैटाबॉलिज्म और फर्दर क्या करना, ब्रेक करना, कैटाबॉलिज्म उसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं और फिर आपका ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस फॉर्म हो जाती है, फिर मिनरल्स धीरे धीरे मिनरल्स बन जाते हैं। तो लीचिंग के थ्रू कुछ तो सॉइल में चले गए और बाकी जो है ये चले गए ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ये सारे लीचिंग के थ्रू चले गए और बाकी कुछ ना कुछ चले गए कहां पे, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डीकंपोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। अब जो फंजाई और बैक्टीरिया इसको खा रही है तो इसने खा लिया फूड चेन के अंदर, ये तो लीचिंग में चली गई, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया भी इसे खा रहे हैं और ये जो है वो लिटर बन गए, छोटे 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 पार्ट बन गए। ये जो है फर्दर डीकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, सॉइल, सॉइल माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा। ये सॉइल माइट्स अलग अलग नहीं है, यहाँ पे इस तरीके सॉइल माइट्स एक ही होगा क्योंकि सॉइल तो कुछ सॉइल, अच्छा सॉइल में भी डीकम्पोज होता है, माइट्स, फंजाई एंड एक्सेट्रा, फंजाई एक्सेट्रा, ये सब ने भी उसको फर्दर डिकम्पोज करा, वो भी आपकी रिच ऑर्गेनिक रिच सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर मिक्स हो गई, यहां से भी सॉइल के अंदर मिक्स हो गई, इधर से घूम के भी किसके अंदर मिक्स हो गई और सॉइल के अंदर क्या होगा दोबारा से पेड़ उग जाएगा। तो ये पूरी साइकिल है डिकम्पोजिशन की। ये आपको कैसे आ सकती है, मैं बता रहा था कैसे आ सकती है ये साइकिल आपको, कि आपको बीच बीच में से गैप्स दे देंगे, बोलेंगे भरो इसे, तीन नंबर में दे दिया, क्या करोगे, आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए वरना आप कहे, ठीक, डायग्राम की वीडियो को ढंग से देख लेना, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना, बट प्लीज ये वीडियो प्रॉपरली पूरी देख लेना। एक और बेसिक सा डायग्राम है ये, तो यार ये तो मैं बताने की भी उसमें नहीं हूँ। ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर प्राइमरी ट्रॉपिक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एग्जांपल्स। याद रखना फाइटोप्लैंकटन को जूप्लैंकटन खाता है, फिर इसको बर्ड्स, फिश वगैरह खा लेती हैं, फिर मैन उसको खा लेता है ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रास और ट्रीज के साथ भी ऐसी कुछ होता है, लास्ट में मैन और लायन ही बचता है पानी के लिए सब कुछ, ठीक। तो ये तो बेकार है। एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब है चांसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ध्यान से देखना। सन, सनलाइट सारी की सारी पड़ती है, सारी की सारी, पी ए आर नहीं होती, व्हाट इज पी ए आर, एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सारी की सारी नहीं होती, ठीक है। तो कुछ जो है वो हीट में चली जाती है और कुछ जो है वो प्लांट्स में आ जाती है, प्लांट्स में आ गई। अब प्लांट्स से भी सारी की सारी आगे नहीं जाएगी, कुछ जो है वो हीट में चली जाएगी और कुछ जो है अगले ट्रॉपिक लेवल पे चली गई। अब सेम वही बात है, कुछ जो है वो हीट में चली गई, अगले ट्रॉपिक लेवल पे चली गई, इसको किसी और ने खा लिया, फिर कुछ हीट में चली गई, कुछ ट्रॉपिक लेवल पे चली गई। जितना आप आगे जाते जा रहे हो ना, हीट में बहुत सारी रिलीज हो रही है। इसका कहने का पूरा मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे, जितना ट्रॉप क्वार्टिमोर्स पे चले जाओगे, टर्शियरी कंज्यूमर पे चले जाओगे, वहां पे एनर्जी लेवल उनका बहुत बहुत कम होगा। रीजन बीइंग कि उसका सारा का सारा एनर्जी कहां चला गया है, आपके हीट में भी निकल चुका है, सिर्फ 10% ही तो बचता है, इसको क्या कहते हैं 10% लॉ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पिछले वाले में पिरामिड क्या था, एज पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहला जो है वो है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर सिंपल, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा नंबर होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी कम होती जाएगी, ऊपर जाते जाते नंबर कम होता जाएगा, इसे हम कहते हैं कौन सा ग्राफ कहते हैं, एक तो इन्वर्टेड होता है, दूसरा अपराइट, इसे कहते हैं अपराइट।
पिरामिड ऑफ नंबर। इसके अलावा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दोनों टाइप का हो सकता है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखोगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट होता है, बायोमास सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर बनाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये देख रहे हो, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोटा नहीं है, ये SCPC ठीक है। और दूसरा है प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें कोई है ठीक है, इसमें जो है ये अपराइट था, इसमें उल्टा है। पॉन्ड इकोसिस्टम में, वाटर वाले एक्वाटिक इकोसिस्टम में, यहाँ पे जो जू प्लैंकटन है वो फाइटोप्लैंकटन जो है वो जू प्लैंकटन से कम बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, बाकी सारे आप देखोगे अपराइट है बट ये वाला इन्वर्टेड है। ओके आपका तीसरा आ जाता है आपका एनर्जी का, ये भी अपराइट ही रहता है। क्वेश्चन आता है सारे के सारे क्या बोलते हैं पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड में से कौन सा वाला हमेशा अपराइट रहता है, तो वो है एनर्जी का। एनर्जी का कभी भी उल्टा नहीं हो सकता क्योंकि 10% ऑफ लाइव हो सकता है, नंबर वाला भी चेंज हो जाए, बायोमास वाला भी चेंज हो जाए, बट एनर्जी वाला कभी भी चेंज नहीं हो सकता। दोबारा से एक बार लास्ट में जरूर देख के जाए, क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं क्वेश्चन, तो पर हम इस पर भी फोकस करें, जो हमारे सामने वो चीज तो हमारे हाथ में पढ़ना, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं जी। अब यहाँ पे तीन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स और जो भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला ग्राफ है इनवर्टिब्रेट्स का, ये पाई चार्ट है, सॉरी ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट भी आपको याद होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स का जैसे ही आएगा, अगर ऐसा कुछ आ गया, गोला बना दिया ऐसे करके, ऐसे बना दिया, बोल दिया यहाँ पे ये बताओ कौन सा है और इसको बताओ, तो ऐसा वाला कौन सा दिख रहा है तीनों में से? इनवर्टिब्रेट्स। सबसे ज्यादा क्या है इनवर्टिब्रेट्स? मॉलस्क, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप्स। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, फिर मॉलस्क हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं। ये अदर एनिमल ग्रुप ज्यादा है क्रस्टेशियन और मॉलस्क से, बट क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं तो इसको एक साथ नहीं गिनेंगे, तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि इन दोनों ज्यादा है, अदर एनिमल ग्रुप तो करोड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? मॉलस्क जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस से ज्यादा होते हैं, बट इंसेक्ट से कम होते हैं। समझ गए, ग्राफ से भी क्वेश्चन, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है आपका वर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स में से आधे से थोड़ा सा कम वर्टिब्रेट्स होती है वो फिश होती है, बाकी आधे वाले पाई चार्ट को सब में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से यहीं से ही ऐसे ही चलते रहना वरना दिक्कत होगी आप लोगों को, ऐसे ही याद रखना, फिश, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, फार बम नहीं मतलब नॉट बम मतलब फार बम, FAR, fish, amphibian, reptile, bird, mammal, ठीक? ऐसे ही याद रखना, इससे आपको सही याद रहेगा। फिश सबसे ज्यादा, फिर ये कट आपको प्रॉपर आना चाहिए, थोड़ा इधर उधर जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, परसेंटेज लिखी भी नहीं है। फिश, amphibian, reptile, bird, mammal, ये आपका vertebrates है। किसका? vertebrates। इंसेक्ट्स का क्या है? IMC या CMI एक बार लगाया ना MC उसमें? Very good। CMI उल्टा चलेंगे इसमें, क्रस्टेशियन, मॉलस्क, इंसेक्ट्स, ये अदर एनिमल ग्रुप तो है, ठीक है पक्का। और तीसरा है प्लांट्स में तो मुश्किल है बट आपको इतना याद रखना है, फंजाई और एंजियोस्पर्म मैक्सिमम होते हैं, मॉसेस और फर्न्स एक साइड, एल्गी और लाइकेंस एक साइड, मॉसेस और फर्न्स एक साइड और एल्गी और लाइकेंस एक साइड, इसमें भी लाइकेंस सबसे कम है। पूछ लेंगे प्लांट उसमें किंगडम में सबसे कम क्यों मिलता है, अब आपको ग्राफ ही दे रखा होगा, आपको एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं लिखा होगा, सीधा पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें पाई चार्ट्स को, ग्राफ्स को इस तरह से पढ़ना है कि उसकी थ्योरी आ गई तो क्या करें, क्योंकि वो है भी, तो वो भी तो एनसीईआरटी में है। अच्छा, वो इजी क्वेश्चन क्या होता है, ये बना के दे दिया, बोल दे कौन से सब लेवल बताओ, प्लांट्स का ही बताओ, खुद लेवल करो, वो तो इजी हो जाए। पूछेंगे ये इस ग्राफ के हिसाब से सबसे कम कौन सा, ये तो दिख ही रहा है आपको, बट पूछेंगे सिंपल प्लांट में सबसे कम कौन सा होता है, आप बोलो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फंजाई, एंजियोस्पर्म फंजाई से मिला है, वर्टिब्रेट्स में कौन सा होता है, फिश, और उसमें इंसेक्ट्स। अच्छा, ये पाई चार्ट वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला क्या कहते हैं, कौन सा ग्राफ भाई, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय, ओह शिट, एलेक्जेंडर वॉन, हाँ एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसने बोला कि अगर आप कम एरिया देखोगे तो उसमें कम स्पीशीज मिलेंगी, ज्यादा एरिया देखोगे तो उसमें ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी। कह रहे हैं इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात ये है
कि मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर के रेडियस में देख रहे हैं तो 10 स्पीशीज मिल रही है, यही अगर हमने रेडियस 5 किलोमीटर कर दिया तो आप बोलोगे 50 मिलेंगी, नहीं 250 मिलेंगी। स्पीशीज जितनी आप बढ़ाते रहोगे उसके हिसाब से एरिया बढ़ाते रहोगे तो स्पीशीज भी बढ़ती रहेगी। उनका एक सिंपल फॉर्मूला सा बना दिया है ना, S equal to C A की पावर Z। अभी पहले भी वो पढ़े थे दो ग्राफ्स, एक J और एक S, वो था ग्रोथ रेट वाला। इधर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, वहां पे स्पीशीज डिस्टेंस और एरिया है। S equal to C A की पावर Z, where S is species richness, A is area, Z is the slope of the line and C is the width। ठीक है, इसमें अगर मैं log लगाऊंगा तो log S log C plus Z log A बन जाएगा। ये log log scale में, log log scale में ऐसे और इसमें ऐसे। क्वेश्चन बता कैसे आता है species area relationship में, इसको explain करो ढंग से और बताओ क्या क्या वेरिएबल। तो यहाँ पे species richness, यहाँ पे area, यहाँ पे क्या बन जाएगा S equal to C A की पावर Z, इसको बोलो log log scale और इसमें log log scale, कर लोगे? ठीक है पक्का? Alexander von Humboldt के हिसाब से इस species area relationship का graph बना बना दोगे? ठीक है। और कौन सा इसमें है? और नहीं है शायद। Why should we consider, how should we consider important है? हम से इसको देख लेना। और आते हैं biotechnology में। Chapter number 9 है। ये पहला यूनिट खत्म हो गया, लास्ट यूनिट खत्म हो गया, हम उससे सेकंड लास्ट यूनिट पे आ गए। चैप्टर नंबर 9 है बायोटेक्नोलॉजी। मैं बस जल्दी जल्दी एक बार डायग्राम समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें याद बात करा रहा हूँ, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूँ कि कोई ऐसा ना हो जाए तो छूट जाए। पहला डायग्राम जो है वो हमेशा यूज हो सकता है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग जब साथ बैठे थे यहाँ पे बायोटेक कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक ये भी था कि भाई इको आर1 का वो बताओ, एक्सप्लेनेशन करो इको आर1 का एक्शन कैसे। तो यहां पे एक वेक्टर डीएनए और यहां पे एक फॉरेन डीएनए, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। पहली कंडीशन, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर जगह लेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सी सीक्वेंस, पेरेंडोमिक सीक्वेंस, एक और नाम होता है उसका रिकॉग्निशन साइट। हां तो इको आर1 के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC। तो वो एक वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को अलग अलग पॉइंट से काट रहा है, और जैसे ही ये काट रहा है तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, इजीली एक दूसरे के चिपक सकते हैं। तो स्टिकी एंड्स को हम एक दूसरे के साथ चिपकाते हैं, यहाँ से वेक्टर, यहाँ से फॉरेन, और जब चिपकाएंगे और उसके साथ लाइगेस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वो चिपक जाएगा और बन जाएगा आरडीएनए। ये आरडीएनए को हमें किसी कोश में डालना है, ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन होती है, ये मेजर काम। इसका ही दूसरा भी है, सेम ग्राफ है, कुछ सेम फॉर्म वो है डायग्राम। ये फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड है, इस बार पिछली बार सीधा दिखाया था, गोल दिखाया, प्लाज्मिड का एक छोटा सा पार्ट काटा, वेक्टर का भी काटा, सेम डीएनए उससे काटोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, लाइगेस दोनों को चिपकाओगे। देखो अगर आप ढंग से देखो तो ये पूरे रेड में यहां से ब्लू है, इसे कहते हैं आरडीएनए। इस आरडीएनए को आगे जाके ट्रांसफॉर्मेंट्स है ये सारे, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स आगे जाके किसी भी होस्ट में आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेम ग्राफ है, सॉरी सेम डायग्राम करो। इसके अलावा आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। हम अभी डायग्राम की बात करें तो हम स्पेसिफिकली डायग्राम की करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जिस तरह से होता है, यहाँ पे जो है एक एग्रोस जेल का पूरा मिक्सचर होता है जो इसके ऊपर होता है, और छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे करंट चलता है तो यहाँ पे एनोड की तरफ को भागते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ, सही पॉजिटिव साइड की तरफ को भागते हैं। तो एक प्रोसेस थी जिसकी तरफ, जिसकी वजह से भागते थे, कोई नाम था, कोई वर्ड था, एक वर्ड था, कोई वर्ड था, कौन सा, सीविंग इफेक्ट, क्या सीविंग, तो सीविंग इफेक्ट की वजह से जो पतले वाले होते हैं वो पास पास दूर दूर भाग जाते हैं, और जो मोटे वाले होते हैं वो इधर रह जाते हैं। तो साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट होता है। इनको देखा कैसे जाता है, अंडर इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग के एक साथ करके यूवी लाइट के अंदर देखा जाता है। कौन से कारण देखते हैं, ये सीविंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन हमने वैसे पढ़ा था, इसलिए ध्यान रखो, एक एक वर्ड याद रखो, इंपॉर्टेंट है। PBR322 मतलब कुछ भी नहीं करो ये तो रटके जाना, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, ये तो करके ही जाना, रटके चले जाना है चाहे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PBR322, PCR, ये तो सब रटके जाना है ना। तो ये PBR322 का ये एक वेक्टर डीएनए वेक्टर होता है, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड वेक्टर, और इसके अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन में दो वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इस पे भी दो हैं। इसके अलावा और भी हैं, आपको सारे के सारे प्रॉपरली याद करने हैं, ये भी लेबल करने को आता है।
आपको ए बी सी डी करके 6 पॉइंट देते हैं और बोलते हैं ये लेबल करो 3 नंबर का। इसलिए एक तो रट के पी के घोट के चले जाओ अपने दिमाग में, बसा लो कि कौन से साइड पे क्या लिखा था, थोड़ा सा इधर उधर करके नीचे नंबर काट दिया। ये ओरी साइड है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, और ये आरओपी है जिसके ऊपर पी वी यू टू भी है। आरओपी का जो है रीजन वो चीज यहाँ पे भी लिखी नीचे, इट कोड्स फॉर दी प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन दी एप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ये तो रट के पी के घोट के चले जाओ, हिंड 3 इधर ही रहेगा, क्लावर इधर ही रहेगा, इधर से उधर कुछ भी नहीं जाएगा, 3 नंबर का आ सकता है। सिंपल पेपर बनता है तब जाके ये आता है 3 नंबर का। सिंपल पेपर का मतलब होता है जो प्रेडिक्टेबल पेपर, तो उसमें ही आ जाता है विजिबिलिटी कवर, तो मेरे को अपना स्टैंड भी नहीं दिख रहा। ठीक, ये तो कोई वो नहीं है, ये किस किस चीज का डायग्राम क्वेश्चन आ जाएगा, ये डायग्राम को देखो और इसको फिर एक्सप्लेन करो क्या है स्पूलिंग इफेक्ट इसको। हाँ, ये बेसिकली स्पूलिंग इफेक्ट है, ये है क्या बेसिकली डीएनए को फ्रेगमेंट से सेपरेट करना, राइट। ये कौन सा भाई, ये तो बड़ा ही और ब्रेक करके दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें प्राइमर्स लगाओगे जो कि क्या कहते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, क्या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है अपनी एनसीईआरटी में तो लिख लीजिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्राइमर्स, ये दोनों साइड पे लगते हैं और इसको कहते हैं एनीलिंग। प्राइमर्स जो है वो पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और टैग पॉलीमरेज क्या होता है, थर्मस एक्वाटिकस से तो ये डिराइव होता है टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस से डिराइव होता है, टी से थर्मस, ए क्यू से एक्वाटिकस, थर्मोफिलिक पॉलीमरेज है, थर्मोफिलिक एंजाइम होता है। थर्मोफिलिक एंजाइम मतलब जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है। ये 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, और फिर दोबारा से जब इसकी एक्सटेंशन हो रही होती है तो दोबारा से ये अपना 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पे चली जाती है। याद रखिए ये जो है, इसको अगर आप 30 कॉपीज 30 साइकिल्स दोबारा दोबारा रिपीट करते हो तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाती है। एम्प्लीफिकेशन छोटे छोटे पार्ट को बड़ा करने के लिए ये बेस्ट है आपका। कौन सी प्रोसेस है, पीसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मिस नहीं करते, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर पीवीआर पी2 को ये मिस नहीं कर सकते। इस चैप्टर में और कौन सा है, लास्ट है आपका बायो रिएक्टर। दो टाइप के बायो रिएक्टर होते हैं, एक होता है सिंपल स्टर्ड और एक स्पार्स स्टर्ड। सिंपल स्टर्ड में घूमता है, इवन मिक्सिंग होती है, स्पार्स स्टर्ड में घूमता है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर गैस डालते हैं, गैस आती रहती है इसके अंदर, ठीक है, तो बार 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 बबल्स बनते रहते हैं इसमें, इसे स्पार्स स्टर्ड कहते हैं, उसे सिंपल स्टर्ड कहते हैं। एक बार इसको भी देख लेना, वैसे इस पर कोई डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम लोग सारे डायग्राम कर रहे थे, वो छोड़ भी नहीं है, ठीक, पर इसमें डायग्राम पे क्वेश्चन ऐसे आने की चांसेस कम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन, चल दे भाई आप लोग, खत्म है चैप्टर ये वाला, और हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि काफी हल्का चैप्टर है, शायद इसमें हार्डली कोई वो होगा प्रॉपर डायग्राम। ये कॉटन बॉल बम वाला है, ये तो वो है क्या बोलते हैं, कौन सा क्राइप्रोटीन वाला है, आरएनए इंटरफेरेंस, ये दिखा रहा है आरएनए इंटरफेरेंस। जब ये देखो अब क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड कैसे आ सकते हैं, 4 नंबर केस स्टडी, ये डायग्राम दे देंगे, ये पूरा लिखा है वो लिख देंगे, फिर कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ देंगे। सीन क्या है डायग्राम में, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो टोबैको मोज़ेक वायरस पूरा हो गया, इसमें जैसे आरएनए इंटरफेरेंस हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं, देखो इसकी रूट पूरी भर गई है, इसकी नहीं भरी है, यहाँ पे क्या रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स। अच्छा ये वाले में कुछ नहीं हुआ, ये नॉर्मल रूट्स है, और ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, रूट्स 5 डेज आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल। अच्छा वही है, सही बात है, यहाँ पे प्लांट नॉर्मल है, इसकी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये हेल्दी ज्यादा है, ये हेल्दी कम है, ठीक है, इसमें वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें नहीं करेगा। ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ह्यूमन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, जीन थेरेपी, ह्यूमन एडीए डेफिशिएंसी, तो जीन थेरेपी हो गई, हाँ बताओ भाई ह्यूमन में क्या है। ये प्रो इंसुलिन होता है, हमारा जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन होता है,
इसके अंदर तीन चेंज होती हैं ए बी और सी। ए बी और सी में जब ये प्रो इंसुलिन जो है वो डिवाइड करता है, जब मैच्योर करता है, तो ये अब पहले की जुड़ी हुई थी, देखो ए ए बी और सी, पर अब जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे ए और बी जुड़ी हुई है इससे, सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और सी इसे अब इंसुलिन कहते हैं। ऐसी सेम चेन एली लिली कंपनी ने 1983 में बनाई थी। ये आपका एक और चैप्टर होगा, ये देखते देखते आप लोग पांच चैप्टर का हुए, तीसरी यूनिट पे पीछे से तीसरी यूनिट पे आ रहा हूँ, और ये आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें तो काफ़ी डायग्राम होंगे, हम सारे डायग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी ना रहे। इसकी वो तो कर रहे हैं तुम्हें टेबल, इसका पहला डायग्राम विश्व प्रसिद्ध डायग्राम है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, देख लो एक बार कितनी मिनट की वीडियो बन गई है। आई गेस एक तो दिखने का, अच्छा 30-31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई बात नहीं, एक डेढ़ घंटा एक सवा घंटा भी चली जाएगी, देख लेंगे ना लोग। हाँ जी, तो ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये पूरी पूरी ऐसे भी आ जाती है, तो पूरी ढंग से कर लेना। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा, इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा, जितने भी उसके पैरासाइट्स हैं, स्पोरोजॉइट्स जो है, वो लिवर के थ्रू ब्लड में चले गए, ब्लड के थ्रू लिवर में चले गए, वहां पे जाके वो ब्लड के अंदर जाके ब्लास्ट हुए, और वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई लिवर में और पूरे ब्लड में, और हम लोगों को सिम्टम्स आने शुरू हो गए, हम लोगों को बीमारी होनी शुरू हो गई। बीमारी होने के टाइम पे पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल्स भी बर्स्ट करेंगे और ज्यादा सेल्स को भी ये इन्फेक्ट करेंगे, इसकी वजह से सिम्टम्स आ जाएंगे इसमें, और ये हाई फीवर की साइकिल शुरू हो जाएंगी। ये पूरा ह्यूमन में हो रहा है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन होस्ट और एक मस्किटो होस्ट, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर ही, ह्यूमन के अंदर अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, पर गैमेट फॉर्मेशन मेल और फीमेल कहां बनती है, ह्यूमन के अंदर ही। अब किसी अनहेल्दी ह्यूमन को किसी हेल्दी मच्छर ने काटा, गैमेटोसाइट्स ने मच्छर के गट में, यहाँ पे थूक में और ये पूरा अंदर गैमेटोसाइट्स आ गए, गैमेटोसाइट्स ने यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करी, जब फर्टिलाइजेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो सेल्स बन गए वो दोबारा से उसके गट में रह गए, अब दोबारा से वो किसी को काट। तो इसको आप क्लियरली देखोगे, इसमें डिस्टिंक्शन है बिटवीन ह्यूमन होस्ट एंड मस्किटो होस्ट। ह्यूमन होस्ट के अंदर ज्यादातर काम हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स भी यही बन रहे हैं, मस्किटो होस्ट सिर्फ उसको लेके जा रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके गट में हो रही है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा मस्किटो होता है, इसमें मलेरियल पैरासाइट, फीमेल एनिफिलिसिस, हाँ ये अगला है, ये एलिफेंटियासिस बीमारी का है, इसके बारे में आप सिम्टम्स वगैरह, और ये कौन सी बीमारी है, रिंगवॉर्म, ये दोनों के सिम्टम्स वगैरह आप सब चीजें वो टेबल में से करके चाहेंगे। अब आ जाते हैं अगला, इम्यूनिटी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये आते हैं हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। एक नॉर्मल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल तब बनता है जब एंटीजन्स बाहर से आते हैं और एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट होती है। एंटीबॉडी जो स्ट्रक्चर है बेसिक उसका फॉर्मूला है, ये जो होता है H2L2 टाइप का चेन्स होती है, इसमें दो हैवी चेन, जो बड़ी वाली चेन दिख रही है आपको ऑरेंज और ब्लू, और दो लाइट चेन जिसमें रेड और ग्रीन, रेड और येलो दिख रही है, तो दो हैवी चेन्स को H2 कहते हैं, H2, और दो लाइट चेन्स को L2, H2L2 होता है, और ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये एंटीबॉडी, टोटल हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। स्ट्रक्चर जो भी याद रखता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का, आप इसको बाई शेप को जरूर याद रखना, इसको भी भूलना नहीं है। फिर आइए एक और है, अच्छा ये भी है, हाँ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहाँ पे लिम्फ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योर और प्रोलिफरेट, ठीक है। प्राइमरी कौन से थे, बी और बोन मैरो और थाइमस, वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो यहाँ पे आपके थाइज और ठीक है बैक साइड पे होती है, और ये आपका थाइमस होता है यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे आगे आपके हार्ट के बिल्कुल पीछे छोटा सा होता है, इसमें लिखा भी है थाइमस जो है वो पहले बड़ा होता है, एज के साथ साथ छोटा होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स, यहाँ पे लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में है, ठीक है। बट आपको तीन चीजें लेबल करने को आ सकती है, तो आप उसे कर देना, बिल्कुल शर्माना मत बेटा।
आ जाती है, जैसे कल बच्चों ने कहा था एड्स हो गया, तो एड्स कर में ही हमारे एड्स की मतलब लाइफ साइकिल। ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस समझ लो। रेट्रोवायरस एक वायरस है ठीक है, तो उसमें वायरल कोटिंग होती है। वायरल कोट जब एनिमल सेल के अंदर जाता है वो अपना कोट छोड़ के अंदर आरएनए देता है, क्या देता है? ध्यान रखने की बात ये है, मेन बात ये है, सोचने की बात ये है, ये आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए, क्योंकि आरएनए हमारे डीएनए में नहीं हो सकता, तो वो डीएनए का बेस बदल के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से, जो कि सेंट्रल डॉग्मा के उल्टा था, HMTMN 1970 है ना, डीएनए बन जाता है। और ये डीएनए जो है हमारे जीन में, हमारे डीएनए में क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, घुस जाता है। जब अब नए सेल जो बनेंगे वो सारे के सारे जो है वो कौन से बनेंगे? इन्फेक्टेड सेल्स। और ये पूरा का पूरा जो है वो HIV फैक्ट्री बन गया है हमारा बॉडी। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में चले जाएंगे और धीरे धीरे करके ये हेल्पर टी सेल्स को मारेंगे। हेल्पर टी सेल्स को मारेंगे तो बी लिम्फोसाइट्स काम अपना नहीं कर पाएंगे, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी और हम मर भी सकते हैं। और ये है आपका डीएनए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर 2023 के पेपर में वो क्वेश्चन में आया था 3 नंबर का, बोला था ये चीज को आइडेंटिफाई करो और इसके बारे में फिर पॉइंट था। पहली बार तो भाई तुम्हें ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तुम ओपीएम और ओपीएम क्या पढ़ गया। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सारी चीजें पता करनी चाहिए। पहली चीज है मॉर्फीन, कौन सी है? अब ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये स्ट्रक्चर में आप इतना देख सकते हो कि एक बेंजीन पे OH होता है ठीक है, और आपके यहाँ पे जो हैवी वाले वो आ रहे हैं, देखो आगे की तरफ जो आ रहे हैं बॉन्ड्स, उनमें NCH3 है, इतना याद कर सकते हो। एक बेंजीन है, पूरा प्रॉपर बेंजीन है, उस पे OH है और इधर NCH3 है, ये क्या है? मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद करने के ध्यान रखो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 2023 में क्वेश्चन आया था। ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल में क्या है? अब वो सारे एक साथ जुड़े होते हैं, ये पूरी चेन में ऐसे ठीक है। यहाँ पे बेंजीन पूरा है, OH है इसमें भी, बट उसमें क्या था पता चल जाएगा ना, मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड में डिफरेंस कर लोगे, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 पेंटेन का ग्रुप इधर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ पट्टा सा लगा हुआ है। बेंजीन के OH में इधर क्या लगा है? पेंटेन। क्या लगा है? उधर क्या था? बेंजीन पे OH था बट उसके साथ साथ सारा ऐसे क्लमजी था और नीचे NCH3। यहाँ पे बेंजीन पे OH के साथ पेंटेन लगा हुआ है, ये क्या है? कैनाबिनॉइड। क्या था? कैनाबिनॉइड्स। इसके ये तो स्लीव्स वगैरह है, लीव्स वगैरह पूछो तो कैनाबिस सैटिवा ठीक है, ब्रांच का लिखा है, ब्रांच ऑफ द पूरा, ये तो कुछ इतना तो पूछेंगे, दो ही तो आप इन आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कैनाबिनॉइड्स और मॉर्फिन कर लोगे पक्का डन। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। ये हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर है, तो अब ये हमारे इस चैप्टर के बाद 7 चैप्टर हो जाएंगे। हाँ 7 चैप्टर, आई थिंक इसके बाद हम इस वाली वीडियो को ब्रेक करके पार्ट 2 शुरू करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। आ जाओ, सबसे पहला तो बहुत ही बेसिक सा है, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं, वो छोड़ तो रहेगी तो सभी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया से अलग रॉड शेप इसे बैसिलस कहते हैं बेटा, स्फेरिकल शेप इसे कोकस कहते हैं बेटा, और तीसरा है रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला, फ्लैजेलेटेड है ये वाला ठीक है। रॉड शेप है ये सिंप्लीफाइड, ये 1500x पे है, ये 1500x पे है, ये 50000x पे है, कितने 50000, बहुत ज्यादा ही मैग्नीफाइड। तो ये सारे बैक्टीरिया अलग अलग आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? वायरसेस है। पहला बैक्टीरियोफेज, इसका हेड, कॉलर, टेल, प्लेट और फिर पिंस। अच्छा पिंस नीचे और प्रॉन्ग्स है, क्या है? प्रॉन्ग्स। ये छोटे से छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो बढ़िया है ना, हमें आता है ना प्रॉन्ग्स। क्या दूसरा? बी एडिनोवायरस व्हिच कॉजेस रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, ये एडिनोवायरस है, याद है एडिनोवायरस, पेपिलोमा वायरस, रेट्रोवायरस, कहां से पढ़ा था ये? डिसान पैथोजन कंपोनेंट में, डिसान पैथोजन वेक्टर ठीक है। तो ये एडिनोवायरस है, ये ऐसे बना हुआ है और उसके अंदर जो भी गोले गोले बहुत सारे ठीक है। और लास्ट है आपका TMB, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसका आरएनए ही कराते हैं, है ना? तो ये आपका रॉड शेप है, ये बिल्कुल अलग दिख जाएगा, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई कुछ भी कर सकते, आ सकता है पेपर में, कुछ भी आ सकता है। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश, और ये फंगस, फंगस में बीच में एक न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया देखो सारे अलग अलग है
इतना डिफरेंस बिटवीन है, ज्यादा ये तो क्वेश्चन आने के नहीं है, बट हम कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। ये फर्मेंटर्स होते हैं जिसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, और ये फर्मेंटेशन प्लांट है, ये सारे फर्मेंटेशन किसमें होती है, दारू वगैरह बनाने है ना, और कुछ मेडिसिन में भी होती है। ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसका, तो क्या अंदर है सब कुछ, बाहर तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो ऐसी कैसी है। और ये आपका सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नॉर्मल फोटो है, तो फोटो में क्वेश्चन ऐसे आते नहीं। ये आपका बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट भी क्वेश्चन वाला बनता है, तो बायोगैस प्लांट आप लोगों ने शायद 10th में ही पढ़ा है, उसको दोबारा देख लो। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, यहाँ से डंग और वाटर डालते हैं, आपने गोबर ओवर पानी डाल दिया, इसकी स्लरी बनती है, यहाँ से अंदर जाती है, अंदर जाके डाइजेस्टर टैंक होता है, ये डाइजेस्ट करती है धीरे धीरे, और यहाँ से इसके थ्रू यहाँ से CH4 और मीथेन वगैरह बहुत सारी गैसें आती है, ये गैसेज जो होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से एक्सहेल आउट हो जाती है, और जो बाकी जो सामान बचता है, जरूरी थोड़ी सारी गैस बन जाए, सॉलिड ही बचेगा, वो सारा स्लज में जाता है। ये स्लज को हम यूज कर सकते हैं आगे जाके एज फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बाकी आई डोंट थिंक इस सेंटर में कुछ और है। तो ये आपके पहले लास्ट के 7 चैप्टर है, पहले चैप्टर से हम अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें और प्रॉपरली सारे जो कुछ कुछ ज्यादातर इंपॉर्टेंट थे, कुछ कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर एक बार देख लिया तो कुछ तो याद रहेगा ही शायद, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो।